स्थिति में ये लग नहीं रहा कि पिछले बार का जो उनका परफॉर्मेंस था उसको वो रिपीट कर पाएंगे, उससे नीचा ही जाएंगे। राकेश जी के पास आता हूं मैं। राजनाथ तो यहां तक बोल गए कि 2029 में भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मोदी रहेंगे। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री खुद डरे सहमे हैं, उनकी टांगे कांप रही हैं। वो एक सीन आपने देखा होगा, एक बड़ा एक हार पहना रहे थे, मोदी को अपने गले में भी डाल लिया, बाद में तुरंत निकाला, तो उससे लग रहा है कि उनके अंदर भय कितना है। पर इतना एक चरणों में लेट जाना, इतना भयभीत हो जाना, वही मोदी चाहते हैं कि सामने भयभीत रहे, इनकी टांगे कांपे मेरे से। आज एक खबर आती है दैनिक लोकमत हिंदी की, पहले तो उसमें आरएसएस की बात की गई है सर, कि आरएसएस सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिनिधि हैं बीएल संतोष वगैरह को, उनको किसी मंच पे कोई स्थान दिया नहीं गया है। और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि शायद सब कुछ ठीक है दोनों के बीच में, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट और इसके अंदर दी गई कि भारत सरकार 900 समाचार चैनलों पर कड़ी नजर रख रही है। भारत सरकार सर 900, अब 900 टीवी चैनल्स तो है नहीं मेरे हिसाब से, जो न्यूज चैनल्स देखा जाए तो भारत में 900 न्यूज चैनल्स नहीं है, उसमें डेफिनेटली सोशल मीडिया के चैनल्स भी वो भी होंगे जो न्यूज एंड व्यूज देते हैं। और वो कहते हैं कि जो 2400 घंटे समाचार और विचार प्रसारित कर रहे हैं, 900 ऐसे समाचार चैनलों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ये अंग्रेजी, हिंदी और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में इन समाचार चैनलों की 24 घंटे निगरानी के लिए एक विशेष फ्लोर रखा गया है। इसमें लगभग 2400 लोग हैं जो निगरानी रख रहे हैं, 2400 लोग हैं, और ये इनके द्वारा समाचार पत्रों पर भी निगरानी रखी जा रही है। और ये क्या चर्न आउट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और ये तीन शिफ्टों में इनको तैनात किया गया 24, यानी कि 800 लोग एक शिफ्ट में, 801 में। देश की सरकार ये निगरानी कर रही है 2400 लोगों की टीम सर, 8-800 लोग एक एक शिफ्ट में 8-8 घंटे की, और 900 ऐसे मीडिया चैनल्स के ऊपर दिन रात उनको 24 घंटे देखा जा रहा है कि वो क्या प्रसारित कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग थिंग जो दैनिक लोकमत के अंदर आया है, मैं खुद भी हैरान हूं इसको देख के। बाकी 57 सीटें आपके सामने हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी एक हारता हुआ तानाशाह अपने लिए हर वो कोशिश करता है कि जिसके द्वारा उसकी तानाशाही बरकरार रहे, उसकी सीट बरकरार रहे, लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राकेश अचल जी धन्यवाद। दिनेश जी देखिए, बात तो यही है कि राजनाथ जी का आपने जिक्र किया तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी इस समय सबसे अनाथ नेता है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। देश के रक्षा मंत्री हैं लेकिन उनकी टांगे कांपती हैं और उन्हें भी मजबूरी में मोदी स्तुति करनी पड़ती है। बात आती है अपने छठवें चरण के चुनाव की, तो देखिए जिन राज्यों में 7-8 राज्यों में जहां मतदान होना है 25 तारीख को, उन सभी राज्यों में अगर आप एक 2 महीने पुराने की राजनीति का रजिस्टर उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इन सभी राज्यों में जहां उसकी स्थिति पिछले चुनाव में बेहतर थी कुछ ऐसे गड्ढे खोदे अपने प्रतिद्वंदियों के लिए जिनमें अब वो खुद गिरती नजर आ रही है। जैसे ओडिशा की आपने बात की, ओडिशा में बीजू जनता दल देश का ऐसा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो चुपचाप अपने राज्य की प्रगति के लिए काम करता है। केंद्र में किसकी सरकार है उसने कभी इसकी चिंता नहीं की और जहां जरूरत थी उसको सरकार को मदद की। लेकिन उसी सरकार ने इस बार बीजू जनता दल को न सिर्फ अपमानित किया बल्कि पूरी उड़ीसा की अस्मिता पर भी उंगली रखी। यही हाल पंजाब में हुआ, यही हाल हरियाणा का तो बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। खट्टर साहब बेचारे बड़े ढंग से काम कर रहे थे लेकिन वहाँ दूसरे नवाब भाई को बिठा दिया गया और नवाब भाई से सरकार संभली नहीं, हिल गई। अब जैसे तैसे बचाए हुए हैं, कैसे भी ये 4 दिन निकल जाए उसके बाद उसका कुछ करेंगे। तो स्थितियाँ ये है कि अब इस छठवें चरण में विपक्ष के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत है। अगर वो हिमाचल में 4 में से 1 सीट भी जीतते हैं तो उनको मिल रही है, दिल्ली में 7 में से 2-3 सीट भी जीत रहे हैं तो उनको मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की पॉकेट से लगातार ये सीटें कम हो रही हैं। और ये 2 जो अंतिम चरण है मतदान के, जैसा कि शुरू में डॉक्टर साहब ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर पार्टी होते हुए भी इस बार आम चुनाव में जो 18वीं लोकसभा का है, मुद्दे ही सेट नहीं कर पाई, पूरे मतदाता का ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाई कि उसे वोट किस मुद्दे पर सरकार को देना चाहिए या विपक्ष को देना चाहिए। तो ऐसी भ्रमित स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो छठवां चरण है ये कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है। सत्तारूढ़ दल का कंफ्यूजन तो चरम पे है, विपक्ष की भी अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे, वो अति उत्साह में भी है, कहेंगे उसे लग रहा है कि पूरा बिल्कुल फट्टा साफ हो जाएगा, लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है कि विपक्ष को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नवन नीच की अति दुखदायी, छठवें और सातवें चरण में सत्तारूढ़ दल कितने भी नीचे जा सकता है और वो विपक्ष की तमाम आवो हवा को खराब करने की कोशिश कर सकता है। वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जहाँ के योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी वो उनके नेता राहुल गांधी को कहते हैं कि ये नक्सलवादी भाषा बोलते हैं और वो खुद तालिबानी भाषा कहते हैं कि यहाँ अगर दंगा हुआ तो हम उल्टा लटका देंगे। अब मैं तो कानून का छात्र रहा हूँ, मुझे तो सीआरपीसी में और आईपीसी में कहीं ये किसी धारा में पढ़ने को नहीं मिला कि दंगा करने पे आदमी को उल्टा लटकाया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं, लेकिन उल्टा लटकाने की सजा का प्रावधान कहीं नहीं है। तो ये जो उत्तेजना सत्तारूढ़ दल में लगातार बढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये उसकी हताशा का परिणाम है। और इन दोनों चरणों में अगर आधी आधी सीटें भी, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा नुकसान उठाएं, आधी और एक चौथाई सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जाती हैं तो न सिर्फ सत्ता में वापसी मुश्किल होगी बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने नेतृत्व को बहाल रखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से उनकी अनबन हुई है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि हमें जरूरत नहीं है, वो संघ भी अब अपने उस तरह को धार देकर बैठा है कि कब मौका मिले और कब इस नेतृत्व का कलम किया जाए। वहां तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, एक उनकी कोर कमेटी होती है, वो निर्णय करती है कि अब इस आदमी को आगे बढ़ाना है। तो जो मोदी परिवार के जो सांसद इस समय जो भी है 303 में जो भी उनके समर्थक हों, वो भी जब संघ का निर्देश आ जाएगा तो हाथ खड़ा कर देंगे, पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो 10 साल में हाथ बांध के पीछे खड़े रहे बेचारे, उन्हें मौका ही नहीं मिला है। तो वो भी तैयार है, संघ भी तैयार है, और अगर मतदाता भी तैयार हो गया तो आप देखेंगे कि छठा जो चरण है वो निर्णायक होगा। और निर्णायक इस लिहाज से होगा कि सातवें चरण में उसकी रिपेयरिंग नहीं कर पाएगी सत्तारूढ़ पार्टी। अब बाकी तो 4 दिन का इंतजार है ही। जी गिरीश भाई, आपके पास आता, ये पहली बार एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जहां पर